कहा है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई है कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। वो जहाँ रहेंगे, जैसे रहेंगे, हम उनको मदद करेंगे। किंतु का जहाँ पर हमारा सवाल आएगा, तो जिसके लिए कसम खाया है उसका भी तो उत्तरदायित्व बनता है कि उससे कसम की प्रतिष्ठा हम रखें। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये बात कही कि अगर मैंने जो कसम खाई है, मैं वो कसम को जरूर पूरा करूंगा। मैं हर हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहूंगा, लेकिन हाँ, अगर जो मैंने कसम खाई है तो सामने वाले का भी ये कर्तव्य बनता है कि उस कसम को वो पालन करवाए। बताते चले आपको कि जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से ये सवाल किया गया कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी ज़्यादा सीटों से जीतती है या फिर बीजेपी आपको ज़्यादा सीट देती है तो क्या आप कसम तोड़ देंगे, जिस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आज जो कुछ भी हूं मैं उनके कारण ही हूं, वो मुझे बिहार में सीएम बनाए थे, साथ ही साथ वो उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, और अगर मैंने ये कसम खाई है कि मैं उनका साथ दूंगा तो मैं इस कसम को जरूर पूरा करूंगा। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला मेरी कसम को नहीं मानता है, अगर सामने वाला का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मेरी अगर जो मैंने कसम खाई है उस पर वो कुछ काम करे, तब ना, अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर मैं उनका साथ कैसे दे सकता हूं। क्या कुछ जीतन राम मांझी बोल रहे हैं अपने कसम खाने वाले वादे को लेकर, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। कहा है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई है कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। वो जहाँ रहेंगे, जैसे रहेंगे, हम उनको मदद करेंगे। तब फिर बातें आती रहती हैं, उसको कहने में क्या पाप है, और हम तो भाई खुला दिल के आदमी हैं, जो सामने बातें आती हैं हम बोल देते हैं। कुछ लोग अपने मन में रखता है, मैं तो इस बात को नहीं रखता। तो इसको आप कह सकते हैं कि राजनीति में तो अवगुण है, लेकिन उस अवगुण को लेकर कि हम आज 42 वर्ष के राजनीति के हैं। ये कसम टूटेगा तो नहीं आपका? हम तो नहीं समझते हैं कि टूटना चाहिए। नीतीश कुमार जी जब हैं, नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, आज उन्हीं के चलते हमको बहुत सहूलियत है, तो कसम टूटने का क्या सवाल है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम लोग अस्तित्व का जहाँ पर हमारा सवाल आएगा, तो जिसके लिए कसम खाया है उसका भी तो उत्तरदायित्व बनता है कि उससे कसम की प्रतिष्ठा हम रखें। कितने में अस्तित्व बच जाएगा, कितनी सीटों? वो सब आपसे नहीं शेयर में करूँगा, वो हम लोग आपस में बातचीत। अगर महागठबंधन से ज़्यादा सीट एनडीए आपको दे तो? अब वो अलग बात है, हम जब यहाँ हैं तो कहा जाए सत्तू और रोटी अच्छी होती है, वनिश्वत की विजयत में बिरयानी। आपने सुना क्या कुछ कहना है जीतन राम मांझी का। आपको बता दे चले कि जीतन राम मांझी से ये सवाल किया जा रहा है कि क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जिस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कोई बात ही नहीं है, अब मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। लेकिन हाँ, उन्होंने जो मुझसे वादा किया है, उन्होंने जो मेरे साथ बात की है, अगर वो बात नहीं रखेंगे तो फिर ये सही बात नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।